चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आज हम सिजोफ्रेनिया के बारे में। फर्स्ट क्लास है साइकेट्रिक डिसऑर्डर की, और पहला ही डिसऑर्डर हम बात करेंगे सिजोफ्रेनिया के बारे में। तो सिजोफ्रेनिया जो है, एक चीज़ तो मैं बताऊँ आपको, मोस्ट कॉमन साइकोटिक प्रॉब्लम है जो कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। अब बात करें इसके ही हिस्ट्री के बारे में, तो जो सिजोफ्रेनिया वर्ड जो था, पूछा गया है किसने दिया था, ब्लूलर, ब्लूलर ने, ठीक है। उन्होंने कब दिया था ये वर्ड, 1908 के अंदर दिया था, और उन्होंने इसका मतलब समझाया था कि सिजोफ्रेनिया एक्चुअल में क्या मतलब रखता है। उनके अकॉर्डिंग सिजोफ्रेनिया क्या मतलब है, स्प्लिट ऑफ माइंड। तो सिजोफ्रेनिया 1908 में आया शब्द, जिसका मतलब क्या था, स्प्लिट ऑफ माइंड। किसने दिया, ई ब्लूलर ने। अब बात करते हैं हम सिजोफ्रेनिया के कुछ क्लासिफिकेशंस के बारे में, कि सिजोफ्रेनिया को कैसे क्लासिफाई किया गया, किस किस बिहाफ पे क्लासिफिकेशन किया गया, और क्या क्या उसकी कैटेगरीज थी। तो उनकी कैटेगरीज क्या थी, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये आपकी जो स्क्रीन पे है, ये सब वो कैटेगरीज हैं जिनके अंदर इसको क्लासिफाई किया गया था। तो यहाँ मैंने जो लिखी है वो इसकी एक ट्रिक लिखी है मैंने, PHC URSP, ठीक है। या फिर इसको आप यूं भी कर सकते हो कि इस पी को मैं यहां से उठाता हूं और मैं लगा देता हूं पी के पास में। देखिए, तो इसकी ट्रिक ये भी हो सकती है कि PHC ऑफ यूपी क्या है, SR या RS या जो भी आप इसमें लगा सकते हो, PHC ऑफ UPRS कितने रुपए लेती है भाई, ये जितने हैं सात, तो 7 रुपए लेती है, ये लो लिख दिया। मतलब क्या हुआ इस ट्रिक का, कि यूपी के अंदर जो भी PHC है वो 7 रुपए का टिकट काटती है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको हम याद रख सकते हैं, PHC UPRS 7, ठीक है, ये याद रहेगा हमें इस तरह से। तो क्या है इसमें, बहुत ही बहुत बढ़िया टेक्निक है ये, पैरानोइड है इसमें। सबसे पहले पी से पैरानोइड, एच से हेबरफेनिक, सी से है यहाँ पे कैटाटोनिक, और यू से है यहाँ पे अनडिफ्रेंशिएटेड, पी से पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन, आर से रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया, और एस से सिंपल सिजोफ्रेनिया। इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर। हर एक के अंदर कुछ सब क्लासेस भी हैं, यानी कि सब इसका क्लासिफिकेशन भी है, वो भी हम देखेंगे पूरा एकदम अच्छे तरीके से, अच्छी एकदम पूरा डीपली हम इसको देखेंगे, अप टू द कंपटीशन। बाद में हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तो ये क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और यदि इसमें कोई डाउट हो आपसे कि इस ट्रिक में, कि मैंने इस ट्रिक में क्या बताया है, क्या मतलब है इस ट्रिक का, तो आप पूछ सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि यूपी के अंदर जो भी PHC है वो 7 रुपये, यानी कि RS 7, 7 का मतलब है टोटल 7 इसकी क्लासेस हैं, 7 क्लास 7 टाइप में इसको क्लासीफाई किया गया है, और यूपी के अंदर जो भी PHC है उनमें 7 रुपये का टिकट कटता है। इस तरह से हम इसको हम याद कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है सिजोफ्रेनिया में, सिजोफ्रेनिया के बारे में एग्जामिनेशन के अंदर, एग्जाम के अंदर, तो क्लासिफिकेशन वगैरह लिखना बहुत अच्छा रहता है। लेट अस सी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया। अब हम सिजोफ्रेनिया की डेफिनेशन की अगर बात करें, तो ये क्या है, ये एक साइकोटिक कंडीशन है। साइकोटिक कंडीशन समझ में आई बात, साइकोटिक कंडीशन यानी कि विच इज रिलेटेड टू मेंटल इलनेस। ये एक मेंटल इलनेस कंडीशन है विच इज करेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, करेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंस इन, किसके अंदर, बैट में। बैट का मतलब हो गया बिहेवियर, अफेक्शन यानी कि मूड जिसको हम कहते हैं, ये भी हम आगे जानेंगे। इस टर्म का मतलब, ये वर्ड क्या है इसका मतलब हम आगे जानेंगे, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब हम आगे जानेंगे, अफेक्शन का मतलब क्या होता है, मूड, मूड एंड मूड डिसऑर्डर्स के अंदर हम इसको देखेंगे। अब बात करते हैं बैट की, तो बैट क्या है, बिहेवियर अफेक्शन एंड थिंकिंग, आ रही बात समझ में। तो साइकोटिक कंडीशन विच इज करेक्टराइज्ड बाय बिहेवियर थिंकिंग एंड अफेक्शन डिस्टरबेंस, या फिर डिस्टरबेंस इन बिहेवियर अफेक्शन एंड थॉट या फिर थिंकिंग। अब ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब मेन चीज जो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, वो ये है कि इसमें पेशेंट जो है वो ओरिएंटेड भी हो सकता है, कॉन्शियसनेस हो सकती है पेशेंट के अंदर, ये कोई जरूरी नहीं है कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो। अब जो क्लास है थोड़ा पिछले से, इसका जो कह सकता हूँ कि विजुअलाइजेशन है थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि उसने ये जो कर्सर है वो विजुअल नहीं हो पा रहा था, तो आप देख ही नहीं पा रहे थे कि मैं एक्चुअली अब कहाँ लिखने वाला हूँ, तो ये थोड़ा सा अब इसमें क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो गया है। तो धीरे धीरे वी आर लर्निंग, बोथ ऑफ अस
व्यूअर्स एंड जो भी आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करा है, दोनों हम और आप दोनों मिलकर सीख रहे हैं। तो चलिए आगे सीखते हैं हम इसके अंदर इसकी इटियोलॉजी की भी, सिजोफ्रेनिया की जो इटियोलॉजी है वो क्या है। सिजोफ्रेनिया की अगर इटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं इटियोलॉजी कोई भी साइकोटिक डिजीज की क्या होती है, मेनली अननोन होती है, पर उनको कुछ थ्योरीज या फिर कुछ हाइपोथिस या फिर कुछ कंसेप्ट के ऊपर हम पढ़ते हैं या फिर डिफाइन करते हैं। तो मैंने आपको इसके अंदर बताया था कि इसके अंदर हम किन किन थ्योरीज की बात करेंगे। इसमें मेनली हम जी इटियोलॉजी की अगर बात करूं तो इसमें सबसे पहले देखें बायोलॉजिकल थ्योरी, साइकोडायनामिक थ्योरी और सोशल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल थ्योरी की अगर बात करूं तो इसको फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन से बायोकेमिकल, न्यूरो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर या फिर न्यूरो स्ट्रक्चरल थ्योरीज, फिर आता है जेनेटिकल हाइपोथेसिस। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर हम देखेंगे, साइकोडायनेमिक थ्योरी फिर सोशल फैक्टर। तो आइए वन बाय वन हम इसके अंदर देखते हैं कि क्या होता है। बायोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल थ्योरी के अंदर हम देखा कि बायोकेमिकल, तो बायोकेमिकल थ्योरी के बारे में हम आइए देखते हैं कि बायोकेमिकल थ्योरी क्या कहती है। अब बायोकेमिकल से आप समझिए कि मतलब क्या हुआ। बायो यानी कि रिलेटेड टू लिविंग बींग्स एंड केमिकल्स, मतलब सर्टेन केमिकल्स, सीधी सी बात है। तो बायोकेमिकल्स कौन से होंगे बॉडी के अंदर हमारे, हम बात करेंगे यहाँ पे सीधी सीधी बात न्यूरोट्रांसमीटर की, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम यह भी हो सकता है न्यूरोट्रांसमीटर हाइपोथिस हाइपोथेसिस। इसमें हम बात करेंगे मेनली डोपामिन की, क्योंकि ये जो थ्योरी है ना ये कहती है कि डोपामिन का लेवल जब बेसल गैंगलिया के अंदर बढ़ जाता है ना, कहाँ पे बेसल गैंगलिया, बेसल गैंगलिया मेनली मैं बात करूँ तो क्या करती है, इमोशंस को कंट्रोल करती है और नर्वस फंक्शन को रेगुलेट करती है। तो यहाँ पर अगर डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है तो ये कहा जाता है कि सिजोफ्रेनिया जो है वो जनरेट हो सकता है, सिजोफ्रेनिक कंडीशन जो है वो बन सकती है। आ रही बात समझ में। तो ये तो क्या है हमारा, न्यूरोट्रांसमीटर हाइपोथेसिस है, जिसके अंदर कहा गया है कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के बैलेंस के बिगड़ने या फिर उनके ऊपर नीचे होने की वजह से क्या होता है, सिजोफ्रेनिक की कंडीशन डेवलप होती है। अगला इसके अंदर जैसे आता है कि सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, फिर इसमें बात करें हम नोरएपिनेफ्रिन, ये सब कुछ क्या है, ये सब के सब न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जो कि बोलते हैं कि भैया इनके लेवल ऊपर या नीचे हो जाएंगे तो कोई भी साइकोटिक कंडीशन डेवलप हो सकती है, ये न्यूरोट्रांसमीटर थ्योरी कहती है। न्यूरोट्रांसमीटर या फिर बायोकेमिकल थ्योरी क्या कहती है कि एनी साइकोटिक डिजीज एनी साइकोटिक कंडीशन इज डेवलप्ड इफ There is any alteration in the level of neurological, sorry, neurotransmitter, ठीक है। क्यों होता है ये सब, neurotransmitter के level में कुछ alteration आ जाए तो क्या हो सकता है, कोई भी psychotic condition develop हो सकती है। तो आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं अगली बात genetic theory की। ये सब किस में पढ़ रहे हैं अपन, biological के अंदर, ठीक है। बायोलॉजिकल के अंदर सबसे पहले हमने देखा था बायोकेमिकल, अब हम देख रहे हैं जेनेटिक थ्योरी। अब जेनेटिक थ्योरी सीधी सी बात है क्या कहती है कि पेरेंट्स से किसमें चले जा सकते हैं, जीन्स ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। अगर पेरेंट्स को सिजोफ्रेनिया है तो हो सकता है पेरेंट्स से डायरेक्ट कहाँ जाए, ऑफस्प्रिंग के अंदर भी कोई भी साइकोटिक कंडीशन क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि होगी ही, ये एक रिस्क फैक्टर कह सकते हैं हम या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर कह सकता हूं मैं, इटियोलॉजी नहीं कहते हम इनको, क्या कहते हैं, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर या रिस्क फैक्टर हम इनको कह सकते हैं। अगली मैं बात करूं इसमें क्या कि यदि जो चिल्ड्रन हैं किसके, सिजोफ्रेनिक पेरेंट्स के, अगर ट्विन्स हैं तो उनमें 50% चांस रहते हैं कि भैया हो सकता है क्या सिजोफ्रेनिया। आ रही है बात समझ में, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें और क्या कहता है कि एक कपल था,
ठीक है, इसको देख के आप समझ जाओ, ये है फीमेल और ये है मेल, दोनों मिले और दोनों के एक एक और हो गया। ठीक है, अब यदि ये मान लीजिए अफेक्टेड है फीमेल चाइल्ड, ये इसका क्या है भाई, तो भैया जिसकी बहन सिजोफ्रेनिक है उसके भी 10% चांस हैं कि उसमें भी सिजोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है, ध्यान रखना भाइयों। ठीक है, आपके अंदर भी, यानी कि जिसके भी बहन सिजोफ्रेनिक है उसके भी 10% चांस होते हैं कि उसके भी सिजोफ्रेनिया इन फ्यूचर, कमिंग फ्यूचर डेवलप हो सकता है। और कब हो सकता है वो मैंने आपको बताया कि मेल होते हैं उनके अंदर क्या एज ग्रुप बताया था मैंने, मेल के अंदर मेल का जो एज ग्रुप रहता है वो क्या रहता है, 15 से 25 ईयर, और फीमेल का मैंने आपको बताया था क्या रहता है बताओ, 25 से 35 ईयर तक डेवलप हो सकता है। आ रही है बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। अब हम बात करते हैं किसकी, अगली थ्योरी की। कौन सी अगली थ्योरी? न्यूरो स्ट्रक्चरल थ्योरी। किसका पार्ट है? बायोलॉजिकल का। तो न्यूरो स्ट्रक्चरल थ्योरी क्या कहती है कि भैया ब्रेन के अंदर कोई भी माल स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी आ जाए, किसमें, ब्रेन के अंदर कोई भी अगर स्ट्रक्चर में, ब्रेन की स्ट्रक्चर में या ब्रेन वॉल्यूम में, ब्रेन वॉल्यूम मतलब कि अगर न्यूरॉन्स का नंबर अगर कम हो जाए तो कोई भी साइकोटिक जो कंडीशन है वो क्या हो सकती है भैया, बढ़ सकती है। तो सीधी बात है, तीन थ्योरियां थी इसमें। कौन सी थी? थ्योरियां नहीं भाई, थ्योरी कह रहा हूँ, थ्योरी। कौन सी थी? बायोलॉजिकल थ्योरी के अंदर हमने तीन डिस्कस करी। कौन सी करी? पहली थी बायोकेमिकल, जो कि क्या कहती है, बायोकेमिकल क्या कहती है, न्यूरोट्रांसमीटर ऊपर नीचे हो जाएंगे तो भैया मानसिक संतुलन ऊपर नीचे हो जाएगा। अगली क्या कहती है भैया? जेनेटिक, कि भैया माँ बाप के है तो रगड़े जाओगे। अगली है कौन सी? न्यूरो स्ट्रक्चरल, यानी कि ब्रेन के अंदर भी अगर कोई दिक्कत आ गई, ब्रेन के न्यूरॉन का नंबर कम हो गया तो चौपड़े जाओगे। आ रही बात समझो? ये क्या थी? बायोलॉजिकल थ्योरी किसकी? सिजोफ्रेनिया की। सिजोफ्रेनिया, आ रही बात समझ में? चलो तो बढ़ते हैं आगे। अब इसमें हम बात करते हैं अगली थ्योरी हमारी, क्यों? क्योंकि इसमें दो थ्योरियां हमने पढ़, तीन चीजें देखनी थी, इटियोलॉजी या फिर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में क्या था। पहला था बायोलॉजिकल जो कि हम पढ़ चुके, दूसरा था साइको एनालिटिक या साइको डायनेमिक थ्योरीज, ठीक है वो अब हम देखेंगे। तीसरा फैक्टर क्या था? सोशल फैक्टर, वो भी अब हम देखेंगे। अब बात करते हैं हम किसकी भैया? साइको डायनेमिक थ्योरी के बारे में। तो चलिए देखते हैं साइको डायनेमिक थ्योरी क्या कहती है। साइको डायनेमिक थ्योरी कहती है कि कोई भी, इसमें मतलब एक आया था साइंटिस्ट, कौन सा, सिगमोइड फ्रॉयड आया था ना, उसने क्या कहा था, साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी ना उसने, पर्सनैलिटी की साइको एनालिटिक दी थी क्या उन्होंने, क्या कहा था इसके अकॉर्डिंग? क्या है साइकोडायनेमिक थ्योरी क्या कहती है कि मतलब कोई बच्चा है या बच्ची है या कोई भी आदमी है, कोई इंडिविजुअल है, अगर उसके साथ बचपन में कोई भी ऐसी चीज हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो सकती है भैया, उसके उसके पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से भविष्य के अंदर उसमें कोई दिक्कत आ सकती है। साइको एनालिटिक मॉडल जो था सिग्मोइड फ्रॉयड का, उसमें ये बात बताई गई है। तो साइको एनालिटिक या साइको डेवलपमेंट थ्योरी क्या कहती है कि बचपन में क्या हुआ, खराब एक्सपीरियंस हुआ, फिर वो क्या हो गया, आगे जाके बीमारी बन गई भैया। उदाहरण के स्वरूप क्या बात कर सकते हैं, एक गंदा सा उदाहरण लेता हूं मैं, अच्छा सा भी हो सकता है, गंदा सा भी हो सकता है, कैसा भी कह दो। मान लीजिए कि आपको, यानी कि इस छोरे को पीट दिया किसने, एक दाढ़ी वाले आदमी ने, ठीक है, इसके बहुत सारी दाढ़ी थी, इसने इसको पीट दिया। किससे पीट दिया? बेल्ट से पीट दिया। तो इस आदमी को, इस बच्चे को किससे नफरत हो सकती है? या तो दाढ़ी से हो सकती है या फिर बेल्ट से नफरत हो सकती है। नफरत यानी कि जब भी ये बंदा या बंदी जो भी है दाढ़ी वाले या फिर बेल्ट को देखेगा, जब भी ये दाढ़ी वाली आदमी को देखेगी या फिर बेल्ट को देखेगी तो क्या शो करेगी? एबनॉर्मल बिहेवियर।
ठीक है। और अपने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, BAT, आ रहा है समझ में, BAT पढ़ा था। बी यहाँ क्या था, बिहेवियर था। तो बिहेवियर अगर क्या हो गया, एबनॉर्मल हो गया, एबनॉर्मल बिहेव करेगी तो क्या डेवलप हो सकता है इसके अंदर सिजोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है। आ रही है बात समझ में, क्या देखा है इसमें हमने। अरे भाई ज्यादा ही नीचे चल गया ये तो, ये देख लो पूरा पूरा ये देखा हमने अभी। ठीक है, आया समझ में क्या देखा। चलिए नेक्स्ट पेज पे अब हम बात करते हैं साइकोडायनेमिक थ्योरी के अंदर। ये तो थी डेवलपमेंटल थ्योरी, ठीक है। साइकोडायनेमिक के अंदर कई चीजें आएंगी, बताना भूल गया था। पहली तो थी डेवलपमेंटल थ्योरी, जो कि किसने दी थी, सिगमोइड फ्रॉयड ने। ये कौन था, बहुत बड़ा, पता नहीं भूल गया मैं अभी, पीडियाट्रिशियन था शायद, फिजियोलॉजिस्ट था ये, बहुत अच्छा। ठीक है, सिगमोइड फ्रॉयड ने डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी, देख लेना एक बार, सेकंड यूनिट में मिल जाएगी आपको, बहुत बढ़िया से समझाया हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है, आती भी है। फैमिली थ्योरीज है इसमें, नेक्स्ट क्या है इसमें है, फैमिली थ्योरीज। फैमिली थ्योरी क्या कहती है कि मतलब भैया सीधी बात है, अगर बच्चे के पेरेंट्स यदि या तो मतलब बहुत ही जल्दी बच्चा क्या हो जाए, ऑर्फन हो जाए, ठीक है, तो बच्चे में दिक्कत आ सकती है। दूसरा, अगर फैमिली हेल्थ, मतलब फैमिली हेल्थ का मतलब क्या हो गया भैया, घर का माहौल ही खराब है, कोई मतलब फादर ड्रिंक करता है, तो उस वजह से भी बच्चा क्या हो सकता है, सिजोफ्रेनिक हो सकता है, एबनॉर्मल बिहेव कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे इसमें किसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटियोलॉजी वगैरह इसमें लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आगे होती है सोशल फैक्टर्स की बात करें तो सोशल फैक्टर वही है, जैसी संगति बैठिए तैसी रंगत होए, वही बात है भैया। सोशल फैक्टर में सबसे पहला आता है पीयर ग्रुप। सोशल फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो इसमें आ जाएगा क्या, पहला पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप यानी कि साथ बैठने वाले दूसरे, यानी कि इन्वायरमेंट ऑफ कॉलेज स्कूल, जहां भी आप उठते बैठते हो, वो सब चीजें अफेक्ट करती है अपनी मेंटल हेल्थ को। सच्ची बात तो यही है, आ रही है चीज समझ में। चलिए बात करते हैं आगे हम इसकी साइकोपैथोलॉजी के बारे में। साइकोपैथोलॉजी कोई इसकी विशेष बात मायने नहीं रखती, क्योंकि साइकोपैथोलॉजी जब कोई एटियोलॉजी फिक्स नहीं होती तो साइकोपैथोलॉजी कोई भी फिक्स नहीं होती। बाकी इन बाकी जो हमने डिस्कस की थ्योरीज, इन थ्योरी के बिहाफ के ऊपर हम कोई भी एक थ्योरी का एग्जाम्पल लेके साइकोपैथो बना सकते हैं, साइकोपैथोलॉजी। यानी कि जैसे कि क्या हुआ, चलिए बना के देखते हैं क्या हुआ भाई, कोई भी ड्यू टू एनी, वही एमएसएन वाला यूज कर सकते हैं अपन, ड्यू टू एनी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। यानी कि जैसे कि क्या हुआ था, डेवलपमेंटल स्टेज में कुछ हुआ उसके साथ, क्या हुआ, एक एग्जाम्पल लेते हैं रेप का। ठीक है, छोटी बच्ची थी, डेवलपमेंटल स्टेज में क्या हो गया, रेप हो गया। जैसे जैसे एज ग्रोथ होगी उसमें क्या आ सकते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियरल चेंजेस आ सकते हैं रिगार्डिंग दिस एक्सीडेंट या फिर मिस हैपनिंग। ठीक है, ये इसकी साइकोपैथोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो वो हम ऐसे बना सकते हैं। अगली मैं बात करूं इसमें तो क्या होगा, साइको इसमें बात करो अगर क्लिनिकल फीचर्स की, तो सबसे पहले बात करेंगे हम फोरे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। बात करूं तो ब्लूलर के फोरे सिम्टम सबसे मेजर हैं। और अभी यहाँ से आती है बात कंपटीशन की भी। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे एक एक करके फोरे सिम्टम्स कौन से हैं इसमें। तो सबसे पहले आता है इसमें फोर ऐसे, याद रखना है कि चारों चारों किससे स्टार्ट होंगे भैया, ऐसे होंगे। अब इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूरल साइन नहीं है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपने को ये याद रखने हैं, क्या याद रखना है, पहला तो अफेक्टिव डिस्टर्बेंस। अफेक्टिव डिस्टर्बेंस बोले तो अफेक्ट क्या होता है, मूड, तो मूड स्विंग हो सकता है, जिससे आगे जाके क्या हो जाता है, मूड डिसऑर्डर बन सकते हैं। ठीक है, तो सिजोफ्रेनिया इसलिए कहा जाता है कि सबसे मेजर मेजर जो साइकोटिक कंडीशन है वो यही होती है। आगे हम बात करें तो क्या है दूसरा, ए अकोस्टिक थिंकिंग,
अकोस्टिक थिंकिंग, ठीक है, फोर करने हैं अपने को पूरे, ठीक है भाई साहब। चलिए लो जी, तीसरा बात करते हैं हम तीसरे की। तो तीसरा क्या है, एम्बीवेलेंस। अच्छा, अकोस्टिक थिंकिंग क्या होता है? अकोस्टिक थिंकिंग में क्या होता है कि ये मतलब सराउंडिंग के साथ में खुद को जोड़ नहीं पाता, यूँ कहता है कि सब क्या है, मोह माया है, मतलब अनेबल टू कंडक्ट, अनेबल टू कंडक्ट विद इन्वायरमेंट। आ रही है बात समझ में, अनेबल टू कंडक्ट विद इन्वायरमेंट। चलिए आगे देखते हैं, एम्बीवेलेंस क्या होता है। एम्बिवेलेंस की अगर मैं बात करूं, इट रेफर्स टू अपोजिट थॉट फॉर ए पर्टिकुलर चीज। एम्बिवेलेंस मतलब क्या हो गया भाई, ये एक चीज है, इसके लिए उसके दो थॉट होंगे, एक तो प्लस होगा और उसी चीज के लिए एक थॉट क्या होगा, माइनस। ठीक है, आ रही बात समझ में, कोई भी विशेष चीज के लिए, मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है, वो यूं सोच सकता है कि एक टाइम पे मतलब जैसे कि लड़की को पढ़ाना, गर्ल्स एजुकेशन के बारे में, ठीक है। और गर्ल एजुकेशन क्या है, एक बिंदु है, इसको अपन ये समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसके प्लस में क्या सकता है, वो आदमी क्या सोच सकता है कि यार लड़कियां पढ़ेगी तो समाज बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा, ठीक है। और लड़कियां अगर पढ़ेगी तो क्या हो सकता है, समाज के नुकसान क्या, वो यूँ सोचेगा भाई लड़की किसी के साथ भाग जाएगी, ठीक है। तो वो ये दोनों चीजें सोचता है एक पर्टिकुलर चीज के लेके। तो ये मैं आपको क्या बता रहा था यहाँ पे, कि एक चीज को लेके उसके क्या हो सकते हैं, दो थॉट हो सकते हैं एक पर्टिकुलर चीज को लेके, दो और दोनों एक दूसरे क्या होंगे, प्लस और माइनस, यानी कि अपोजिट थॉट होंगे एक दूसरे के। तो एक थॉट आएगा तब तो क्या सोचेगा, समाज बढ़ेगा, ये आएगा तो क्या सोचेगा कि लड़की को पढ़ाओ, और यूं सोच लिया कि लड़की भगेगी तो क्या कर देगा, लड़की को नहीं पढ़ाएगा। आ रही बात समझ में, एम्बिवेलेंस क्या होता है। चलिए बढ़िया, अब हम बात करते हैं अगले, यानी कि फोर्थ ए की। चौथा ए क्या है, एसोसिएटिव लूजनेस। एसोसिएटिव लूजनेस में मैं एक ही टर्म लिखूंगा और वो लिखूंगा, क्या लिखूंगा बताओ। एसोसिएटिव मतलब कि एसोसिएशन माने कि जोड़ना, लूजनेस माने कि ढीलो, जो सिस्टम क्या हो जाएगा उसमें क्या देखने मिलेंगे, फ्लाइट्स ऑफ आइडिया, मतलब दो आइडिया को एक बात को दूसरी बात से क्या नहीं कर पाएगा, कनेक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे कि क्या आपने साड़ी बहुत स्वाद थी, अब ये बातें एक दूसरे के साथ में कहीं रिलेट नहीं करती। अब उसके बाद में क्या आ गया, दो विचार आ गए एक साथ। एक तो वो यूँ कहना चाह रहा था कि खाना बहुत स्वाद था या खीर बहुत स्वाद थी, कहना वो ये चाह रहा था, पर बोल गया क्या, यूँ भी कहना चाह रहा था कि आपकी साड़ी बहुत सुंदर है, और बड़ाई कर रहा था अपनी बीवी की, अपनी लुगाई की, पर क्या निकल गया मुँह में, मुझसे आपने साड़ी बहुत स्वाद थी। तो दोनों बातें एक दूसरे के साथ में क्या नहीं है, को रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। तो एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं होती चीजें, इंटरलेटेड नहीं रहती। अब ये जरूरी नहीं है, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है, क्या लिखी गई है कि इन चारों में से फोर ए चारों के चारों प्रेजेंट हैं तो ही सिजोफ्रेनिया है, ये बात क्या है, गलत है, ये जरूरी नहीं है। तो क्या हो सकता है कि अगर एक भी सिम्टम्स, प्रेजेंस ऑफ इवन वन ऑफ दी सिम्टम इज कंसिडर्ड टू बी स्ट्रॉन्गली सिजोफ्रेनिया। आ रही बात समझ में, कि इन चारों में से फोर ए में से कोई भी अगर एक ए भी प्रेजेंट है तो वो क्या है, सिजोफ्रेनिया है। आ रही है बात समझ में, कि जरूरी नहीं है कि चारों में चारों हो, अगर एक है तो भी, जैसे कि अगर वो क्या है, उसमें एम्बिवेलेंस है, वो मतलब हर बात के लिए एम्बिवेलेंस शो कर रहा है, तो क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है, सिजोफ्रेनिक हो सकता है। आ रही है बात भेजे में बेटी। चलिए बहुत बढ़िया, मैं इसको डिलीट कर देता हूं पेज को। अब हम बात करते हैं कुछ अदर सिम्टम्स की, जैसे कि अब ये याद रखना है अपने को, फोरे सिम्टम्स किसने दिए थे, ब्लूलर ने। अब बात करते हैं एक और सिम्टम्स की, जिनको हम कहते हैं फर्स्ट रैंक सिम्टम। अब फर्स्ट रैंक किस, फर्स्ट रैंक के बाद में क्या आती है, फर्स्ट रैंक के बाद में क्या आती है बताओ, सेकंड। तो सेकंड से याद रखना है अपने को, सेकंड
स्केनीडर भैया नाम अजीब है, देख लेना मेरा तो प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही है। स्कैंडियर, ठीक है स्कैंडियर। फर्स्ट रैंक किसने दिया था? फर्स्ट रैंक प्रायोरिटी या फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया किसने दिया था? स्कैंडियर ने दिया था, और इनको हम कहते हैं SFRS, ठीक है। SFRS का मतलब हो गया स्कैंडियर्स फर्स्ट रैंक सिम्टम्स। क्या है इसका फुल फॉर्म, लिख देता हूँ मैं, ये हिंदी में लिख देता हूँ, स्कैंडियर फर्स्ट रैंक सिम्टम। बिल्कुल पूछा गया है भाइयों कि फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया गिवन बाय, नाम आ जाएंगे साइंटिस्टों के, देखना टेप देना। आ रही बात समझ में? इसमें क्या था मेनली, चलिए देख लिया जाए, गई ऊपर, चलो देखो क्या था। इसमें था कि एक तो होगा ऑडिटरी हेलिसिनेशन, सबसे पहला ऑडिटरी हेलोसिनेशन, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होगा, थॉट इंसर्शन, डेल्यूजनल परसेप्शनल या परसेप्शन डेल्यूजन। आ रही बात समझ में? थॉट ब्रॉडकास्टिंग, ओके। उसके बाद में क्या आ सकता है, हेलुसिनेशन बता दिया मैंने आपको, और विजुअल हेलुसिनेशन भी इसमें हो सकता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन है ना, बिल्कुल बता दिया। अगला क्या हो सकता है, विजुअल हेलुसिनेशन हो सकता है। ये है क्या SFRS, स्कैंडियर्स फर्स्ट रैंक सिम्टम्स, इसको हम SFRS कहते हैं। और वो क्या थे, 4A ऑफ ब्लूलर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखने हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आते हैं, क्लिनिकल फीचर्स अगर आते हैं तो इसी तरह से हमें ये टेबल्स ही लिखनी है उसमें। अरे बात भेजे में, अब बात करते हैं हम इसमें हम एक और चीज की, क्या अगले क्या है, नेगेटिव सिम्टम्स और पॉजिटिव सिम्टम्स। नेगेटिव यानी कि जो पहले था, पहले तो प्रेजेंट था पर अब हट गया। पॉजिटिव यानी कि जो पहले नहीं था पर अब ऐड हो गया। अब देखिए, अब नेगेटिव सिम्टम्स में क्या हो सकता है, अब नहीं है पर पहले था, यानी कि पहले बोलता था पर अब नहीं बोलता, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑटिज्म। तो लीजिए ऑटिज्म कर दिया। दूसरा एपैथी, एपैथी ठीक है, यानी कि वो पहले ठीक ठाक सोच लेता था, इनिशिएशन कोई चीज का कोई काम करना स्टार्ट कर देता था पर अब नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसमें। अगला इसमें एक और लिखता हूं मैं, एनहेडोनिया। एनहेडोनिया क्या होता है, पहले वो आनंद ले पाता था, यानी कि कोई भी हंसी की बात थी तो हंसता था पर अब नहीं हंसता, मतलब प्लेजर फील नहीं करता। यानी देखिए इसमें ए ए ए लग रहा है, जिसे मैंने डिक्रीज हो रहा है, पहले था अब नहीं है। आ रही बात समझ में? और पॉजिटिव क्या है, पहले नहीं था पर अब है। पॉजिटिव क्या है, पहले नहीं था पर अब प्रेजेंट है। नोट्स लिख सकते हैं आप अगर चाहें तो, बाकी वीडियो आपके पास रहेगी, लिख लो आप नोट्स। हाँ तो पॉजिटिव में क्या ऐड हो सकता है, पहले जैसे उसको हेलुसिनेशन, सबसे पहले मतलब पहले उसको भूत नहीं दिखते थे, पहले उसको क्या बोलते हैं, बांसुरी आवाज सुनाई नहीं देती थी, अब उसको सुनने लग गई, ठीक है। दूसरा डेल्यूजन, भाई साहब पहले खुद को भगवान नहीं समझता था पर अब डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। आ रहा है याद है, थॉट डिसऑर्डर में कौन सा है, डिसऑर्डर ऑफ कंटेंट है भाई साहब, याद करो सेकंड यूनिट, ठीक है। कंटेंट को
कोरिलेट करो सेकंड यूनिट के साथ, याद आएगा। ठीक है, डेल्यूजन हो सकता है। अगला अगला इसमें क्या हो सकता है, सस्पिशियसनेस, पहले अपनी लुगाई पर विश्वास रखता था, अब नहीं रखता। पहले रखता था और अब नहीं रखता, तो क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव होएगा कि पॉजिटिव होएगा? परंतु इसको हम मानेंगे पॉजिटिव, क्यों मानेंगे, कि इसको लेंगे हम विश्वास के रूप में। पहले विश्वास, पहले सस्पिशियसनेस नहीं थी उसके अंदर, पर अब प्रेजेंट हो गई। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगी भैया, पॉजिटिव साइन हो जाएगी। ठीक है, अब उसमें और भी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकता है इसमें, पहले नहीं था पर अब है। ठीक है, तो ये सब। और डिप्रेशन में एक चीज और आ जाएगी, क्या, टेंडेंसी ऑफ सुसाइड। ये सब चीजें इसमें प्रेजेंट रहेगी। आ रही बात समझ में? चलो मैं आपको कर देता हूँ, एक साथ दिखा देता हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव। चलिए देख लीजिए, हमने देखे इसमें नेगेटिव साइंस, नेगेटिव साइन में क्या थे, जो पहले था पर अब नहीं है, इसमें क्या आ जाएंगे, ऑटिज्म, एपेथी और क्या, बिल्कुल प्लेजरस फीलिंग्स को वो फील नहीं कर पा रहा है, जिसको हम क्या कह रहे थे, एनहेडोनिया। ठीक है, और अगर हम बात करें पॉजिटिव साइन सिम्टम्स की, तो क्या है पॉजिटिव साइन सिम्टम्स, पहले नहीं थे पर अब आ गए, जैसे कि हेलोसिनेशन, डेल्यूजन, सस्पिशियसनेस, ठीक है, डिप्रेशन एंड टेंडेंसी ऑफ सुसाइड। तो ये क्या है, इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। बाद में इसमें अदर्स फीचर्स भी हैं कुछ, उनकी अगर मैं बात करूँ तो उनमें हम क्या क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं, ये लीजिए नए पेज पे आ जाइए। और हम बात करें अब अदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो अदर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या, थॉट डिसऑर्डर उसमें देखने को मिलेंगे, थॉट डिसऑर्डर। वैसे ये उसमें आ जाएंगे सब, बाकी इनको एक बार और लिखना है हमें, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, ठीक है, अफेक्ट डिसऑर्डर, ये मतलब सभी आ जाएंगे इसमें। तो आप देख सकते हैं कि अदर के अंदर जो भी साइकोटिक डिसऑर्डर हैं वो सब के सब इसमें हम पढ़ सकते हैं। तो ये क्लास अपनी हम यही समाप्त करते हैं, और अगली क्लास में हम देखेंगे इसके क्लिनिकल टाइप्स के बारे में। किसके बारे में देखेंगे जी, इसके हम देखेंगे क्लिनिकल टाइप के बारे में। तो डोंट मिस द नेक्स्ट क्लास विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए इसको मिस ना करें। इसमें हम देखेंगे इसके टाइप्स के बारे में, इसके क्लिनिकल टाइप्स कौन से हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और क्लिनिकल टाइप्स वैसे मैंने डिस्कस कर लिए हैं आपके साथ, कौन से हैं इसके, जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, कौन सी बताई थी, PSC ऑफ UP क्या है, RS 7, ये ट्रिक याद है ना आपको, यूपी की PSC में क्या रेट लगते हैं भैया, 7 लगते हैं। ये 7 क्या हैं, इसके टाइप हैं, और ये टाइप अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन, स्टे अपडेटेड, कीप अपडेटेड, पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, और ऐसे ही अपन मजे से साइकेट्रिक को कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ, शुभ रात्रि।